हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और ये देखें, अभी क्रिसमस की तैयारियां वैसे की वैसे ही हैं, ये न्यू ईयर तक रहेंगी। तो आज हम आए थे, हमें बेला का एक बैग लेना था और रेड कलर का मुझे हेयर कैचर लेना था उसका। तो मैंने कहा कि ये शॉपिंग मॉल भी मैं आपको दिखाऊँ। तो मैं बैग ले रही थी तो शुभाष को मैंने बोला आप थोड़ी सी वीडियो बना लें, और उन्होंने फिर ऐसे बना दी। चलो जैसे बनाई है चल गया काम। तो आप सबको मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर, और खुदा करे कि ये जो अगला साल आए हम सब के लिए कामयाबियों का, बीमारियों से पाक और सेहत तंदुरुस्ती वाला, हर एक बंदे के लिए, हर एक मुल्क के लिए। मेरी दुआ है कि खुदा ये सारा जो 2021 हमारे लिए आए तो खुशियों का साल लेके आए और सबको सेहत और तंदुरुस्ती मिले, आमीन। इस दुआ के साथ अब करते हैं ब्लॉग शुरू। तो जनाब, मैं ले रही थी बैग और हम ढूंढ रहे थे शॉप जो मुझे नहीं थी मिल रही। तो मैंने शबाज को बोला आप थोड़ी सी वीडियो बनाओ और मैं देखती हूँ। और बेला को मैं घर सुला के आई थी, उसको साथ नहीं थी लेके आई, क्योंकि वो आती है तो बहुत तंग करती है, और सिर्फ एक दो चीज़ लेनी थी, जिस वजह से मैंने फिर उसको घर ही रहने दिया और मैं आ गई थी यहाँ शॉपिंग के लिए। तो ये देखे, जो मुझे चीज़ चाहिए थे वो बैग मिल गए। तो मैंने शबाज को बोला कि आप इधर थोड़ा सा ज़रा वीडियो बना लो और मैं बैग ले लेती हूँ। तो हमें जाना था न्यू ईयर की किसी के घर में पार्टी थी और वहाँ जाना था, और बेला ने बैग तोड़ दिया था, बैग की जिप तोड़ दी थी क्योंकि उसमें फीडर वगैरह उसकी चीज़ें रखनी होती है, तो वो लेना था। और एक रेड कलर का कैचअप फ्रॉक मैं उसकी आपको शॉपिंग पे दिखा सकूँ, क्रिसमस की शॉपिंग के पे दिखा चुकी हूँ, तो वो उसके साथ खलीन था। और ये देखिए कितना खूबसूरत, ये भी बहुत ही बड़ा बनाया हुआ था क्रिसमस ट्री, और बहुत ही खूबसूरत, ये जो बड़े बड़े इन्होंने बलून और ये लगे हुए थे, फनूस लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे लगे हुए थे। तो शबाज ने बहुत जल्दी में पता नहीं कैसे वीडियो बना दी। तो मैंने कहा कि चलो, अब इतनी प्यारी बननी थी वीडियो अगर मैं बनाती तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चले आप सबको न्यू ईयर की विश करती हूँ कि खुदा हम सब के लिए, सबों के लिए, हर एक के लिए, मेरी दुआ है कि बहुत अच्छा सा ये सब के लिए साल आए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती मिले। तो अपनी दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा कि ये जो अगला साल हमारे लिए आया है, सबके लिए खुशियों भरा साल आए। तो हम इसी दुआ के साथ जनाब आए हैं घर, और ये देखिए बेला सो के उठी और मैंने बोला कि चलो आइज़ क्लोज़ करो, तो बेला ने आइज़ क्लोज़ की क्योंकि उसे सरप्राइज़ बहुत पसंद है। तो ये उसको मिला था उसका रेड कलर का कैचर, वो उस दिन क्रिसमस पे गए तो वो कह रही थी मुझे इस तरह का चाहिए, इस तरह का। तो मैंने कहा चलो आज ये उसकी फ़्रॉक के साथ यही मैच कर लेती, ये लिया था। और बैग उसको बहुत पसंद है, सुबह से रो रही थी मेरा बैग टूट गया, तो हम ये लेके आए थे उसके लिए पिंक कलर। ये देखिए आप उसकी खुशी की इंतहा देखे कि वो इतनी खुश हो रही थी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो बाद में भी घर में पहने फिर रही है पूरे घर में कि मुझे यही बैग पहन के फिरना है, और दिखा रही थी सबको, इतनी खुश हो रही। तो बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ माँ बाप के लिए ज़िंदगी का बायस बनती है, उनको और लंबी ज़िंदगी देती है। खुदा बाप हर एक को औलाद दे और ये खुशियाँ नसीब करे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए, और मेरी तरफ़ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और ये मेरी बेला की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत, मैं बार बार कहती हूँ, ज़िंदगी बहुत छोटी है, आज का हमें पता नहीं, कल का पता नहीं क्या हो जाना है। तो अपनी दुआओं में एक दूसरे को याद रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए, यही हमारी ज़िंदगी का अलमिया है। थैंक यू।